लाखों करोड़ों दिलों की मलिका बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए दो दिहाइयों से ज़ायद बीत गए, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मौत से चंद लम्हे पहले इनके लबों पर आखिरी अल्फाज क्या थे। यकम जुलाई सन 1961 को नॉरफॉक इंग्लैंड में जन्म लेने वाली शहजादी पैकर डियाना की जिंदगी खुशियों और गमों का मिलाप थी। जब मुस्कुराएं तो हजारों देखने वालों के चेहरे खिल उठते, और जब वो रोएं तो इनके चाहने वाले भी इनके साथ गमजदा हो जाए। किसे मालूम था कि बरतानिया के कदामत पसंद निज़ाम में पैदा होने वाली डियाना फ्रांसिस स्पेंसर एक दिन दुनिया की मारूफ और मकबूल तरीन शख्सियत बन जाएंगी। डियाना की शोहरत का सूरज बरतानवी शहजादा चार्ल्स से मंगनी के बाद तुलू हुआ, और फिर शादी से शाही सफर का आगाज किया तो लोगों ने इसे खुशियों और ख्वाबों के सफर से ताबीर किया, जिसके बाद दो बेटों शहजादा विलियम और शहजादा हैरी की विलादत हुई और वह तख्तो ताज को मुस्तकबिल के बादशाह देने में कामयाब हो गए। बज़ाहिर सब सही लग रहा था, लेकिन डियाना अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाबी से हमकिनार न कर पाई। पहले तो शहजादा चार्ल्स की बेवफाई ने डियाना का दिल तोड़ा, और फिर डियाना ने खुद भी बेवफाई कर ली। दोनों की ज़िंदगी में कमीला पार्कर, जेम्स गिबली, जेम्स स्वीट और लेगी बॉक जैसे रकाबतदार आए। डियाना ने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी का इतराफ़ भी किया। इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के नाचाकियों से दिल बर्दाश्ता होकर खुद को फलाही सरगर्मियों में मसरूफ़ कर लिया, और कभी बारूदी सुरंगों का मामला उठाया तो कभी एड्स के खात्मे पर लपकुशाई की। डियाना की ज़िंदगी की तरह एक कार हादसे में अचानक मौत भी मीडिया के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। 31 अगस्त 1997 को डियाना पेरिस के होटल से अपने दोस्त दोदी अल्फाइद के साथ रवाना हुई, तो पापाराजी मीडिया इनके पीछे था। सफ़र शुरू तो हुआ, लेकिन डियाना मंजिल तक ना पहुंच सकी, और इनकी गाड़ी खतरनाक हादसे का शिकार होकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे में डियाना के साथ इनके मिस्री दोस्त मौके पर जान की बाजी हार गए, लेकिन डियाना ने अस्पताल के रास्ते में जान दी। डियाना की मौत के दो अशरे गुजरने के बाद एक रेस्क्यू ऑफिसर ने राज अफशा किया कि आखिरी लम्हात में शहजादी डियाना के लबों से क्या अल्फाज अदा हुए। जब 31 अगस्त 1997 के रोज डियाना की गाड़ी को हादसा पेश आया तो सार्जेंट हेवियर गोमिलन वो पहले शख्स थे जो उनकी मदद को पहुंचे। वो इस रेस्क्यू टीम की क्यादत कर रहे थे जो हादसे के फौरी बाद जाए वो कुआं पर पहुंची थी। निजी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सार्जेंट हेवियर का कहना है कि वो हादसे की जगह पर पहुंचे तो लेडी डियाना को गाड़ी के पिछले हिस्से में नीम बेहोश पाया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जिसे सुनने के लिए सार्जेंट हेवियर उनके करीब हुए तो ये अल्फाज सुनाई दिए, माय गॉड ये क्या हो गया। इस वाकये के मुतालिक पहली बार इंटरव्यू देते हुए 50 साल सार्जेंट का कहना है की ये शहजादी के आखिरी अल्फाज थे, क्योंकि इसके बाद वो कुछ नहीं बोली और अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत वाकई हो गई। सार्जेंट हेवियर ने मजीद बताया कि उस वक्त मुझे उम्मीद थी कि वो बच जाएंगी। जब उन्हें जाए वकुआ से ले जाया जा रहा था तो वो होश में थी, लेकिन जब उन्हें स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था तो यूं महसूस हुआ कि गोया उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है। बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सार्जेंट हेवियर ने बताया कि जब मैं जाए हादसा पर पहुंचा तो मुझे मालूम नहीं था कि गाड़ी में कौन है। मैंने एक खातून को गाड़ी के पिछले हिस्से में शदीद जख्मी हालत में देखा जो अभी तक जिंदा थी और उसके होंठ हिल रहे थे। उसके दाएं कंधे पर जख्म आया था, लेकिन बाकी जिस्म पर जख्म या खून नजर नहीं आ रहा था। जब वो एम्बुलेंस में थी तो होश में थी, लेकिन बाद अस्पताल में उसकी मौत वाकई हो गई। मुझे बाद में पता चला कि वो शहजादी डियाना थी। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली शहजादी लेडी डियाना एक इंतहाई हमदर्द और नेक दिल खातून थी। दुनिया भर में लेडी डियाना के लिए मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी वफात पर दुनिया भर से भेजे जाने वाले फूलों की तादाद इतनी थी कि शाही महल में फूल रखने की जगह बाकी न रही। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में googlynewstv टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।